महाराष्ट्र के बुलढाणा में ये लोनार झील है। वैज्ञानिकों की माने तो ये विश्व में इकलौती ऐसी जगह है जो एक उल्का पिंड के टकराने से यहाँ बनी है। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो जब भगवान विष्णु ने राक्षस लोनासुर पर वार किया तो ये जगह बनी। ये भारत है जहाँ साइंस और धार्मिक मान्यताएं कोएग्जिस्ट करती हैं। लेकिन एक कोएग्जिस्टेंस ये भी है कि जहाँ दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं उसी राज्य में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 50-50 हज़ार के कर्ज के लिए जान देने को मजबूर हैं। लोकसभा चुनावों में हम ऐसे ही लोगों से मिलने निकले हैं जो वंचित हैं, जो हाशिए पर हैं। उस आखिरी व्यक्ति के लिए क्या है चुनाव का मतलब और कौन है ये द लास्ट मैन? तो ये इतनी अंदर कैसे गांव में कहाँ पे रह रहे हो यार? ये तो बड़ा ही दुर्गम सा रास्ता है। ये यहाँ से कम हमारे 10-12 यहाँ से लोग गिरते हैं हमारे। कैसे कैसे करके जो अभी नवीन बच्चे गाड़ी सीखे ना तो वो इस गाड़ी चलाती है, इसलिए जो बड़े आदमी है ना तो वो सिर्फ गायरन में रहते हैं। हाँ, तो आप कितनी क्लास तक पढ़े हो? मेरे अब 10 क्लास हो गई है। हाँ। और मेरा अभी रिजल्ट आने वाला है। अच्छा। तो रिजल्ट में अब क्या होगा क्या मालूम? क्या होगा क्या मालूम? हाँ। तो चुनाव के रिजल्ट में क्या होगा? हाँ। ये पता है? देखो दीदी, हमारी गरीब का हाल देखो एक बार। तुम भटके विमुक्त जाति में पढ़ते, इनका कोई पूछने वाला नहीं। ये कहाँ जा रहे, कहाँ मर रहे, क्या कर रहे, घर है कि नहीं, खेत है कि नहीं, खा रहे कि नहीं, दवा खाने में है। वोटर और वोटर सब लेके जाते, वोटर आईडी है, वोटर आईडी है, वोटर आईडी सब है, वो सब लेके जाते, लेकिन इनको कोई 10 रुपये का। छोटे छोटे बच्चे ऊपर से बारिश पड़ रही, छोटे छोटे बच्चे लेके हम बारिश में पड़े बैठे वाले, मगर एक तन कोई आया नहीं हमारे तरफ, एक भी अधिकारी हमारे तरफ आने वाला नहीं है। नेता गीता कुछ आके किसी ने नहीं हमको देखा, किसी ने मदद नहीं दी। हमको आए थे लोग, रोड पर हकल दिया था, एक महीना रोड पर हम रुके बच्चे लेके धूप में, वहाँ से आंदोलन 1-2 महीने हो गए। आज से 22 तारीख से है ना, तो 2 महीने तहसील में आंदोलन चालू है। चाहिए मोदी तरफ से हमको जमीन चाहिए। जमीन किसके लिए? क्यों, क्या हम आदिवासी लोग है? आदिवासी के क्यों फायदा उठाते लोग? कब लगता है पशु मेला यहाँ पे? हर सोमवार को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण शंके। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? ये मंडी के कर्मचारी है हम यहाँ पर। हाँ। यहाँ वसूली करते हैं। ये यहाँ पर जानवरों की प्रवेश भी रहती है और जानवरों का लेन देन का दाखला बना के देना पड़ता है। तो मतलब जो बेचते हैं वो पूरा अपना पर्चा भरते हैं कि ये इन्होंने बेचा, इन्होंने लिया। अच्छा। और दिखाइए, थोड़ा सा दिखाइए अपना इधर का मेला, दिखाओ थोड़ा। यहाँ पर 50 हज़ार के ऊपर 1,10,000 तक के जानवरों की कीमत होती है। 20 हज़ार, 1,000, 1,25,000, बकरी के 15 हज़ार से 16 हज़ार, 17 हज़ार तक के। सब जानवर सब लोग पालते हैं कि कोई समाज कोई पशु पालता, कोई समाज कोई पशु पालता, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हर समाज पालता है। ज़्यादातर मुसलमान भी है यहाँ पर, व्यापारी लोग, मराठी। गाय वाय वो भी पालते हैं? हाँ, गाय वो पालते हैं, बेचते हैं। पूरी जो राजनीति आपको पता चलती है कितनी, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है ऐसा। यहाँ पे आराम से सब खरीद सकते हैं। हाँ, व्यवहार अच्छा होता है यहाँ पर। ये मंडी में बहुत बढ़िया मंडी है हमारी। बहुत सालों से मैं देख रही हूँ कि इधर तो एक ही खासदार है, मतलब खासदार मतलब जो MP है उनको यहाँ लोग खासदार कहते हैं, MLA को लोग आमदार कहते हैं। तो यहाँ के जो खासदार हैं, अभी उनका देख भी रही थी, पूरा अच्छे से चल रहा था, पूरा एडवर्टीजमेंट चल रहा था। तो कई सालों से वो ये लोग बोर नहीं हो कि उनको वोट देते हुए? नहीं नहीं, वो कैसा है कि उनका काम अच्छा है हमारे खासदार साहब का, आमदार साहब का भी बहुत अच्छा काम है, और इसीलिए इतने सालों से वही चुन के आ रहे हैं। और कोई बताएगा? आप कोई क्या, कोई लहर कुछ चेंज नहीं हुई क्या? कुछ भी लहर वही सब चल रहा है वही सब चल रहा है। लोग नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे? लोग ऑफ रिकॉर्ड तो बहुत कुछ बोलते हैं, कैमरा पे कम लोग बोलते हैं। बराबर सही बात है। बराबर है मैडम, वो क्या है अभी कैसा है वो डर, थोड़ा सा डर लगता है लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कैसा है राजकारण का जो रहता है ना।
मेरा। क्या खेती करते हो? सोयाबीन, तूर। सोयाबीन, तूर दोनों? हाँ दोनों। कितने में बिक रहा है सोयाबीन? सोयाबीन बिक रहा है चार एक क्विंटल कितने में बिक रहा है? 4,000 रुपए। 50,000 गाड़ी 1,00,000 की हो गई। पश्चेत करके 4,000 की सोयाबीन 4,000 ही आज भी, 4 साल पहले जो थी तो वही भाव है आज भी सोयाबीन। तो ये जो सोयाबीन पे तो जो MSP मिलता है ना, कि सरकार ने रेट तय किया होता है कि इतना तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा ही, आपको इतना तो भाव मिलेगा ही मिलेगा, वो मिलता है? नहीं मिलता, वो कम है, मतलब कम है। 4,000 की भाव भी सोयाबीन 6,000 होना। हाँ, जो क्षेत्र के पेट्रोल 60 रुपए था, 100 रुपए चलेगा। दिक्कत तो है, दिक्कत बहुत है। तो आम आदमी कुछ ही नहीं है, सरकार इधर मास्टरों को अनुच्छेद दे रही, वो भाव कम ज्यादा छोड़ो, आज भाव कम हो तो कल ज्यादा हो जाएगा, तो आम आदमी क्या है? आम आदमी कुछ नहीं है, आम आदमी के वास्ते कुछ सहायता करो। तो आम जो आमदार है, आमदार कुछ नहीं करते? आमदार सो घर को, हम बैठे यहाँ। ये सही कह रहे हैं क्या जो बात कह रहे हैं? बताओ, सही बात है, सही सही बात है, सही है, आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं। सही बोले आप, बताओ सही। तो जो जो लोग कह रहे हैं कि अब थोड़ा कैमरा पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया, लोग कह रहे हैं कि जो इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस है, MSP है, दाम जो है, जो जो भी वो यहाँ पे उगाते हैं उसका दाम उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हालांकि कागज़ों में कहा जाता है कि हाँ MSP मिलता है इन इन फसलों पे, सोयाबीन वगैरह पे तो है MSP, लेकिन लोगों को वो नहीं मिलता है। इनकी फसल ख़राब होती है, मौसम इतना ज़्यादा यहाँ पर गड़बड़ रहता है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी बिल्कुल बारिश नहीं होती, पानी की कमी है, सिंचाई का प्रॉब्लम है, उसके बावजूद जब इनकी फसल ख़राब हो जाती है तो उनको उसका इंश्योरेंस भी नहीं मिलता है। यही कहा, सही बात है, यही ये मैं एक काश्तकार हूँ, मेरे खाते में पैसे जमा हो गए, कुछ बोलने से, गलत बोलने से कोई फायदा नहीं, जो परिस्थिति है वो देखना पड़ेगी सबको। बिना बताए कैसे एक दिन में समस्या सॉल्व हो जाएंगी क्या? एक साल में नहीं होगी, तो 10 साल में भी नहीं होगी। बिना बताए कैसे सॉल्व होगी समस्या? क्या है लोगों को, थोड़ा पानी की दिक्कत आती है, वो तो ऊपर से थोड़ी बहुत तो आती है ना, तो कैसा है एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बुल्ढाना में किसानों की समस्या कई सालों से जो चल रही है, तो इस बार ही किसानों ने सोचा कि अपना ही एक निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा करें, तो उन्हीं कैंडिडेट से हम मिलने जा रहे हैं, रविकांत तुपकर से। महाराष्ट्र राज्य जुने पेंशन संघटना की ज्या जुने पेंशन हक्क संघटनेने धीरज लिंगाणे यांना निवडून आज यहाँ का किसान ज्यादा खुदकुशी कर रहा है। भारत में नंबर 2 पे किसान आत्महत्या के ऊपर हमारा बुल्ढाना जिला है। लोगों के मन में बदलाव की भावना है, इसलिए तो हमें समर्थन मिल रहा है ना। अगर लोगों के मन में बदलाव की भावना नहीं रहती है तो हमें समर्थन क्यों मिले? मैं तो 22 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, मैंने आज तक लोगों से वोट नहीं मांगा, मैं पहली बार चुनाव में खड़ा हूँ, मैं संघर्ष करता रहा, मोर्चे निकालता हूँ, मैं अनशन करता हूँ, आक्रामक आंदोलन करता हूँ, सरकार को झुकाता हूँ। सुभाष जी आपका नाम है? सुभाष जी। कितने एकड़ है आपकी इधर? मेरे पास 38 एकड़ है। कौन से समाज से आते आप? मराठा समाज से, मराठा कुनबी। 2019 की बात बताता हूँ मैडम, तो उस टाइम पे 100 क्विंटल सोयाबीन बह गई थी, तो उस टाइम पे मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिला, ना आमदार से मिला ना खासदार से मिला। जो एक किसान निधि सम्मान योजना है जिसमें वो मिलता है यहाँ पे लोग? मिलता है ना मैडम, साल में 6,000 रुपये क्या होता है? ये तो बार बार फिर वही लोग कैसे जीत जाते हैं जब वो आपका काम ही नहीं हो रहा है, तो ये तो मुझे नहीं समझ आया। मगर हमारे अपनी तकलीफ, हम चाहते हैं किसानों के फसल को भाव मिले, सब कुछ सब कुछ सब कुछ मिले। पंजाब वालों ने आंदोलन किया, अभी आंदोलन कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिला। अब वो किसके लिए, वो उसका तो हमको मालूम भी नहीं, हम महाराष्ट्र में, वो पंजाब में, वो बात अलग है। लेकिन जहाँ देश की बात रहती है फिर वहाँ इंडिविजुअल संबंध नहीं रहता। मैं किसान हूँ, मैं हमारे बने में देश के बारे में सोचूंगा कि आज से 10 साल या 15 साल मनमोहन सिंह काल से पहले या मनमोहन सिंह के काल में टाइम थे उससे आज के भारत की कंडीशन बहुत अच्छी है। हालांकि हम लोग इंडिविजुअल किसी से मिले नहीं, TV पे देखते हैं कि जिस देश को पहले 4थी या 5वीं रंग में खड़े होकर PM का फोटो निकलता था देश का, आज वो 1st रो में खड़ा है। अभिमान चाहिए अपने अपने देश के बारे में। कोई बार बार जीत रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोकप्रिय है। लंबे समय तक सत्ता में रहने से ये होता है कि वो अपनी पहुंच गांव-गांव तक अपने समर्थकों के जरिए बना लेता है, और अगर कोई उसके हटाने के बारे में बात करना चाहे तो थोड़ा बचने लगता है। इसलिए ऐसा लगा कि बुल्ढाना में लोग चुनाव के बारे में खुलकर बात नहीं कर रहे। लेकिन वो क्या है ना कि चुनाव नहीं आसान, मुद्दों का दरिया है और डूब कर समझना है। अंशुल वर्मा के साथ मैं सर्वप्रिया सांगवान, नमस्कार।